पोखरण में आरएसएस का हिंदू महासंगम, करीब 21,000 स्वयंसेवक हुए शामिल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी फूल बरसाकर स्वयंसेवकों का किया स्वागत। बारां के शाहबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित बाइक की ट्राले से हुई टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। जयपुर जल महल में डूबा युवक, डूबने से युवक की हुई मौत, युवक की बाइक और वॉलेट बरामद। पुलिस और सिविल डिफेंस ने किया युवक का निरीक्षण, रेस्क्यू। वासंतिक नवरात्र आज से शुरू, शैलपुत्री की होती है पूजा। इस बार 8 दिनों के होंगे नवरात्र, घर घर में हुई कलश स्थापना। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत। मारो राजस्थान में आपके साथ मैं हूं देवश्री भट्टाचार्य। नव संवत्सर के शुभ मौके पर राजधानी जयपुर के नेवारू रोड पर निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर की ओर से और हरपाल सिंह की अध्यक्षता में विशाल मेडिकॉल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान फाउंडेशन स्टोन लॉयिंग सेरेमनी में निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में किशनपोल विधायक मोहन लाल गुप्ता और बीएसएफ कमांडेंट एहसान शहीदी भी शामिल रहे। इस अवसर पर निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह ने विशाल मेडिकॉल के ओनर विशाल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि देश का युवा मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और ऐसे में युवा वर्ग को यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि लोगों को अच्छी क्वालिटी के उत्पाद प्राप्त हों। इसके अलावा विधायक मोहन लाल गुप्ता ने भी उद्घाटन कार्यक्रम में सभी को शुभकामनाएं देते हुए अच्छे और हेल्दी कॉम्पिटिशन के साथ आगे बढ़ने की बात कही। आपको बता दें कि विशाल मेडिकल हरियाणा से डेंटल और फिजियोथेरेपी के इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कर अच्छी क्वालिटी और उचित दाम पर उपलब्ध करवाएंगे। विशाल मेडिकल हॉल का आज उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है और ये सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर ऑल हॉस्पिटल इक्विपमेंट के लिए। ये अच्छी बात है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो और सब रोगों के लिए सब बेड्स, सब तरह के बेड्स, सब तरह के इक्विपमेंट, हार्ट के हों, चाहे वो डेंटल के हों, चाहे वो नी से संबंधित हो, चाहे जॉइंट से संबंधित हो, वो सारे इक्विपमेंट यहाँ मिल जाएंगे और हॉस्पिटल जो चलाना चाहते हैं, नया हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, उनको सब चीज़ें एक ही छत के नीचे मिलेगी, एक ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो अच्छी चीज़ रहेगी, उनको कहीं भी घूमना नहीं पड़ेगा और ये अच्छी क्वालिटी की चीज़ देंगे, इस प्रकार की मुझे आशा है। आजकल एक सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने देखी है मेडिकल इक्विपमेंट फील्ड में कि लोग कंपनियाँ स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनको मेडिकल की नॉलेज उतनी नहीं होती, क्योंकि एक नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि लोग डॉक्टर नहीं होते हैं। विशाल के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो खुद डेंटिस्ट हैं अपने आप में, तो वो उस दर्द को, उस आवश्यकता को समझ सकते हैं कि जो आज डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसे कि विधायक माननीय विधायक जी ने कहा कि क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट विल टेक यू थ्रू ऑल दीज स्टेप्स, तो आज विशाल को अपनी क्वालिटी ही आगे लेके जाएगी। हमारी शुभकामनाएं विशाल जी के साथ में है कि वो आगे बढ़े और कंपनी अच्छा करे। नॉर्मल स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वालिटी विल बी मेंटेन एंड विल इंप्रूव मच बेटर थ्रू द टाइम एंड आई विल प्रोवाइड एवरी इक्विपमेंट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म सो दैट डॉक्टर्स टाइम शुड बी रिड्यूस्ड इन परचेजिंग ऑल द इक्विपमेंट्स एंड अ प्रॉपर सेटअप शुड बी मेंटेन अ लो कॉस्ट बजट। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में भारत विकास परिषद समेत कई सामाजिक संगठनों की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दरअसल भारतीय हिंदू नववर्ष की शुरुआत को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं इस मौके पर विधायक सहित सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लोगों को भारतीय हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी और भारतीय नववर्ष को धूमधाम से मनाने की अपील की गई। हिंदू नववर्ष है और आज से हम लोग शाम को
अपन दीपक जलाएंगे अपने अपने घरों में। आज हमने हर चौराहों पर खड़े होड़ों के सबके तिलक लगाया है और सबको संदेश दिया है कि अपने आज से फसल के हिसाब से, वैसे नव वर्ष आज से होता है अंग्रेजों के हिसाब से, नव वर्ष कैलेंडर के हिसाब से 31 जनवरी को होता है। और आज मेरी सबसे निवेदन है कि सब लोग अपने घर में दीपक जलाएं और आज से नव वर्ष की सबको अच्छी तरह से सबको मिलजुल के शुभकामनाएं दें। आज हमारा नव वर्ष शुरू होता है, हम सब हिंदू हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि आज ही के दिन अपना नव वर्ष मनाएं, ना कि हम हमारा जो 31 दिसंबर को मनाते हैं वो हमारा नव वर्ष नहीं है। असल में तो हमारा नव वर्ष आज ही है, चैत्र की शुक्ल पक्ष की जो हमारी आज है, पड़वा जिसे हम कहते हैं, जिस दिन हमारी नवरात्र स्थापना होती है चैत्र की, वही हमारा नव वर्ष है। पोखरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन में 21,000 से अधिक स्वयंसेवकों का जय नारायण व्यास सर्किल पर महासंगम हुआ। महासंगम के दौरान स्वयंसेवकों का फूल बरसा कर स्वागत किया गया। जय नारायण व्यास सर्किल पर संगम का केंद्रीय राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, महंत प्रतापपुरी महाराज सहित आरएसएस के कई लोग शामिल हुए। वही जैसलमेर रोड स्थित मदरसे के मुस्लिम समुदाय लोगों ने भी संघ का होर्डिंग लगाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हुए आपसी भाईचारे की मिसाल कायम की। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में फर्जी स्टैंप देकर 3 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि गंगापुर सिटी के रितेश शर्मा ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपी भूर सिंह मीणा ने रितेश से 3 लाख रुपए पहले उधार लिए थे। पैसे का कई बार वसूली करने के बावजूद बामनवास थाना इलाके के पट्टी कला भूर सिंह मीणा पैसे देने को लेकर टालमटोल करता रहा। पैसे चुकाने की आवज में आरोपी भूर सिंह मीणा ने रितेश का 3 लाख रुपए का प्लॉट देने का नाम के नाम पर फर्जी स्टैम्प तैयार करवाकर थमाया, जिस पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी भूर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गंगापुर सिटी के रितेश शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसके एक दोस्त ने भूर सिंह मीणा ने उससे गत वर्ष 3 लाख रुपए उधार लिए थे, उसकी एवज में 3 लाख रुपयों को बेईमानी आने का नेठने की वजह से फर्जी विक्रय पत्र स्टाम्प तैयार करके उसे दे दिया था, जिसकी रिपोर्ट जितेश ने न्यायालय के मार्फत दर्ज कराई थी। मुलजिम को तफ्तीश हेतु तलब किया गया। तफ्तीश से ये साबित हुआ कि उसने अपने मिलने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर ब्रजमोहन से के नाम से फर्जी स्टाम्प विक्रय पत्र तैयार करा लिया। एसओजी के एडीजी उमेश मिश्रा, पुलिस परीक्षा में धांधली से जुड़े मामले में 5 लोगों को शनिवार को और गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि रैकेट से जुड़े शातिर बदमाशों ने पिछले साल नीट की परीक्षा में दिल्ली में इसी तर्ज पर नकल करवाई थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उसको और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था। एसओजी ने हाईटेक नकल करवाने वाले इस गिरोह के 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की धरपकड़ चल रही है। उधर झुंझुनू नगर परिषद के सभी कांग्रेस और बीजेपी के वार्ड पार्षदों ने एकत्रित होकर सभापति सुदेश अहलावत के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल से एक मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा। नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षदों ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है और पार्षद संजय भार्गव की रिहाई की मांग की। बता दें कि 4 दिन पहले दीनदयाल चौक में भार्गव समाज के पार्षद संजय और व्यापारियों के बीच हुई मारपीट के मामले को लेकर पुलिस ने संजय भार्गव पार्षद को गिरफ्तार किया और उसके साथ भार्गव समाज के और भी अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इसका पार्षदों ने विरोध किया। आज बोर्ड में हम लोगों ने बैठक ली है, हमारे पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षद सारे यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, एसपी साहब से भी बात करके आए हैं और जो वीडियो फुटेज मुझे तो देखने को मिला उसमें मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया कि हमारा जो पार्षद था संजय भार्गव वो किसी से मारपीट कर रहा है। पार्षद एक जनप्रतिनिधि होता है और मोहल्ले में किसी घटना हो जाए, खुद के वार्ड में कोई घटना हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि पार्षद को वहाँ पर जाना पड़ता है लोगों को समझाने के लिए, शांति वातावरण बनाए रखने के लिए। मारपीट में अगर नहीं है तो पार्षद। जयपुर की प्रताप नगर थाना पुलिस ने शनिवार को आयोजित एसएससी परीक्षा में एक दूसरे की सीटें बदलकर परीक्षा दे रहे 3 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार थाना इलाके में बीआईटी कॉलेज को एसएससी परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां 3 छात्र आपस में स्थान बदलकर परीक्षा दे रहे थे।
इस पर कॉलेज प्रशासन की ओर से पुलिस को सूचना दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बारा के शाहबाद क्षेत्र के सीमावर्ती एमपी क्षेत्र के राजघाट के पास दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई। कस्बा थाना क्षेत्र के कोटा नाका के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर एक ट्रोले में जा घुसी, जिससे कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद एमपी के तेंदुआ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। नववर्ष विक्रम संवत्सर 2075 के शुभारंभ के मौके पर विभिन्न हिंदू सामाजिक संगठनों द्वारा सवाईमाधोपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों ने तिलक लगाकर और फूल बरसाकर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। पहले नवरात्र के शुरू होते ही मंदिरों में भक्तों का तांता लग गया है। जयपुर के वैष्णो देवी मंदिर में न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्ला ने की श्रद्धालुओं से बातचीत। पहला दिन है और अभी से ही जो है सुबह से लोग बाग आ रहे हैं, माता जी की पूजा करने के लिए आ रहे हैं। आज का पहला दिन है और इस दिन की विशेष पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, क्योंकि कई सारे की मांगे हैं, कई सारे की मान्यता है जो विशेष तौर पर आज के दिन की जाती है। कुछ ही महिलाएं हैं जो लगातार इस मंदिर पर आ रही है, उनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा पहला दिन है, क्या कुछ खास होने वाला है इस पूरे नवरात्र में। मैडम नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हम लोगों के लिए, और आज पहला दिन है। हर जगह माताओं के दरबार पे लोग बाहर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और आज के दिन कहा जाता है कि जो कंवारी कन्या है उनसे कुछ मांगते हैं तो भर जरूर मिलता है, तो किस तरह से कुछ रहने वाला है इसके पहले दिन के बारे में बता दीजिए। हाँ, आज के दिन व्रत करती हैं कन्या, इच्छाएँ रखती है अपने मन में कि हमें अपने मन इच्छित वर मिले और माता हमारी इच्छा को पूरी करें। मैडम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी आए हैं मंदिर, बता दीजिए थोड़ा सा क्या नहीं व्रत तो नहीं रखा मैंने, पर हाँ चलो माता जी हैं तो वह दर्शन अपने मन को शांति मिलती है, इसके लिए आए हैं, दर्शन वर्शन करेंगे और बस। तो बिल्कुल ये थे कुछ लोग जो लगातार जो है मंदिर आ रहे हैं, सुबह से ही लोग बाग आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ पर उमड़ चुका है। कुछ और लोग भी हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे आज के नवरात्रि के बारे में। पहला दिन है वैसे बहुत अच्छा दिन है, आज गाड़ियाँ भी निकल रही हैं, आज हमने गाड़ी भी निकलवाई है, तो दिन तो अच्छा है हमारे धर्म के हिसाब से। माता रानी सभी को शुभकामनाएं, सुख मंगल दे, सभी को सुख शांति दे। सर आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ होने वाला है आज, क्या कुछ नया स्पेशल किया है आज आपने, क्योंकि आज गाड़ी निकाली, आज तो नहीं हमने गाड़ी खरीदी, आज तो हमने नई गाड़ी खरीदी, यही सुबह सबसे पहले। सबसे बड़ी बात नववर्ष है सर, हिंदू नववर्ष की आज शुरुआत है सर, उसके लिए सभी को बधाई। तो बिल्कुल ये थे कुछ लोग जो कुछ लोग व्रत रख रहे हैं, कुछ अपनी मान्यता है वो पूरी कर रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियाँ कर रहे हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है नवरात्र का आज पहला दिन है और लोग जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जो है मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान की अर्चना, माता जी की अर्चना कर अपना दिन जो है शुभ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुरेश तानिया के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया जयपुर। चैत्र महीने का आज पहला दिन है, जो हिंदू धर्म के अनुसार साल का पहला महीना होता है। आज नवरात्रा की स्थापना हुई है, शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम वैष्णो देवी माता के मंदिर में खड़े हैं, हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आज महीने का पहला दिन है, नवरात्रा की स्थापना हुई, किस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी देंगे आप? भारतीय वर्ष का नववर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। नववर्ष संवत 2075 के साल सन 1940 प्रारंभ हो रहा है। नववर्ष के साथ ही मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए नवरात्रि किए जाते हैं, नवरात्रि महाशक्ति के किए जाते हैं। महाशक्ति शरीर में विराजमान है, सभी प्रकार की रोग दोष कष्ट पीड़ा का निवारण करने वाली है। मनुष्य जीवन के लिए आदि व्याधि ऊपरी बाधाओं का निवारण करने के लिए नवरात्रि बहुत ही मंगलमय है, सभी को नवरात्रि करनी चाहिए। नवरात्रों से बल बुद्धि विद्या और समृद्धि प्राप्त होती है, समृद्धि के लिए कल्याण के लिए और मनुष्य जीवन के लिए नवरात्रि करना बहुत ही अनिवार्य है। नवरात्रि करने से मनुष्य जीवन का कल्याण होता है, सदगति प्राप्त होती है, रोग दोष कष्ट पीड़ा का निवारण होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने इष्ट देव को पूर्ण रूप से विधि विधान से और नियम संयम से आराधना करके उनको प्रसन्न करना चाहिए, जिससे मनुष्य का कल्याण होता है और हर प्रकार से उसको सुख शांति प्राप्त होती है।
जीवन में कल्याणमय आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के नवरात्रा शैलपुत्री का है। शैलपुत्री मंद मंद मुस्कान से अपने भक्तों के ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसाती है और भक्ति और शक्ति का आशीर्वाद प्रदान करती है। यानी भारतीय संस्कृति का आज पहला दिन, जो साल का पहला महीना चैत्र महीना है, और चैत्र महीने का आज पहला दिन है, जो यहाँ पर जो चैत्र महीने का पहला दिन है जिसमें आज नवरात्रा की स्थापना की, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। आज आप यहाँ पे जो माता देवी के दर्शन करने आए, पूजा करने आए, किस तरह से आज नवरात्रा स्थापना आप शुरुआत कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, शुरुआत कर रहे हैं आज, माता की पूजा कर रहे हैं। माता की पूजा करने से सुख शांति मिलेगी और सुख समृद्धि मिलेगी, इसलिए माता की पूजा। यानी इन तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं कि सभी श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर माता को चुनरी उड़ाकर नारियल देकर श्रद्धालु अपनी मन्नत मांग रहे हैं, और यहाँ पर हर बार जब भी नवरात्रा की स्थापना होती है उस दिन यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। जिस तरह से आज बहुत भीड़ उमड़ी है मंदिरों में, भीड़ उमड़ी हुई है आमेर में शीला देवी के मात्र में, जिस तरह से भीड़ उमड़ी है यहाँ वैष्णो देवा माता के मंदिर में भी भीड़ उमड़ी हुई है, और हम जिस तरह से बताए देते हैं, और इस तरह से हर साल ये नवरात्रा की जब स्थापना होती है इसी तरह से भीड़ उमड़ी होती है, श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए अपने हाजिरी यहाँ पर देते हैं। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज इंडिया जयपुर। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।